दोस्तों आज के डेट में जो कि एआई कहां से कहां पहुंच चुका है, यानी आपको जैसा भी चाहिए वैसा है जो कि स्क्रिप्ट लिख सकता है, जैसा आपको चाहिए वैसा है जो कि सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकता है, यानी कि आप एआई के मदद से जो कि आप काफी कुछ करा सकते हैं। आज से कुछ टाइम पहले तक आप एआई से जो कि टेक्स्ट टू स्पीच करवा सकते थे या ट्रांसलेट करवा सकते थे, मगर आज के डेट में जो कि आप एआई से जो कि मल्टीपल काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट से जो कि इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट से जो कि वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में टॉप 5 ऐसे एआई टूल बताने वाले हैं जिसके मदद से जो कि आप टेक्स्ट टू वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए जो कि ना आपको कैमरा की जरूरत है, ना ही आपको लाइट की जरूरत है, ना ही आपको किसी भी तरीका के जो कि आप तार की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जो कि आपका एक स्क्रिप्ट होना चाहिए और उस स्क्रिप्ट की मदद से जो कि आप यहाँ पे वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है invideo.ai। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन अप करना होगा, तो यहाँ पर जो कि साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट ले लेते हैं, कंटिन्यू करेंगे, स्किप करते हैं यूट्यूब, कंटिन्यू करेंगे। गाइस साइन अप होने के बाद कुछ इस तरीका के इंटरफेस आ जाता है। तो ये जो कि एक ऐसा एआई टूल है, इस पे जो कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जो कि टेक्स्ट टू वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर जो कि आपको स्टॉक मीडिया मिल जाएगा, इसी पे जो कि आप वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ऊपर में जो कि देख सकते हैं क्रिएट न्यू पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीका के आपको बाय डिफॉल्ट आपको कुछ टेम्पलेट मिल जाएगा। इसमें से जो भी टेम्पलेट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी कि आपका स्क्रिप्ट के हिसाब से जो कि यहाँ पे रहेगा, वो टेम्पलेट आपको चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कि हम मोटिवेशनल या फाइनेंस रिलेटिव है ना, जिस तरीका से, तो सबसे पहले जो कि एक स्क्रिप्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे लिखवा लेते हैं, उसके लिए हम लोग चैट जीटीपी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे आने के बाद एक स्क्रिप्ट है जो कि हम चैट जीटीपी से लिखवा लेते हैं और यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं चैट जीटीपी अपना एक स्क्रिप्ट लिख करके यहाँ पे दे चुका है, ठीक है, कॉपी कर लेंगे सिंपल। उसके बाद अपने यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये टेम्पलेट है जो कि यहाँ से चूज करेंगे, सिंपल आपको इस पे आ जाना है और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक है जो कि आपको यहाँ पे लैंडस्केप में देखने को मिलता है, सेकंड है जो कि यहाँ पे आपको स्क्वायर में देखने को मिलता है, एक है जो कि आपको पोर्ट्रेट में देखने को मिलता है। तो जैसा भी आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं वैसा जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पर जो कि हम लोग लैंडस्केप है जो कि लेने वाले हैं, उसके बाद यहाँ यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपका स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना और उसके बाद यहाँ पर जो कि क्रिएट सीन पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो जनरेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो कि सीन आ गया है ये साइड में, सीन को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं जैसा भी आपको इसमें जरूरत है उस हिसाब से। ये साइड में जो कि कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। वीडियो में जो कि आपको अलग अलग आपको फुटेज कुछ देखने को मिल जाता है, जो फुटेज जैसे कि अगर आपका वीडियो है, इस वीडियो में अगर आप कुछ फुटेज ऐड करना चाहते हैं तो वो फुटेज यहाँ से सिंपल आपको प्लस पे क्लिक करना है और वो जो कि आपके वीडियो में यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है और इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो कि वो ऐड हो जाएगा। उसके जस्ट बगल में जो कि यहाँ पे जो कि इमेज का ऑप्शन आता है, यहाँ से जो कि आपको स्टॉक का जो कि इमेज मिल जाएगा, यहाँ से जो कि आप इमेज इसी तरीका से जो कि आपको ऐड पे क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि म्यूजिक का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कुछ आपको फ्री म्यूजिक मिल जाता है, कुछ जो कि आपको पेड मिल जाता है। उसके बगल में जो कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, उसके जस्ट बगल में जो कि आपको यहाँ पे लोगो वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। ये सभी के अलावा यहाँ पर जितना आप इसे एक्सप्लोर करिएगा उतना जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये सब करने के बाद अगर आपको ये वीडियो फाइनल तैयार हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड करना। इसके अलावा जो कि नेक्स्ट वेबसाइट है victoria.ai, यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पे क्लिक करेंगे। न्यू टैब ओपन होने के बाद कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद कंटिन्यू विद गूगल, इस पे क्लिक करेंगे। पर्सनल यूज, इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जो कि सोलो, नेक्स्ट करेंगे, सबमिट और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। गाइस ये एक ऐसा एआई टूल है, इस पे जो कि आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कि स्क्रिप्ट टू वीडियो है, यहाँ पे जो कि आप आर्टिकल टू वीडियो कर सकते हैं। आर्टिकल का मतलब कि किसी भी वेबसाइट पे जो कि कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि नहीं अभी से हम वीडियो फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, या कुछ ऐसे वेबसाइट जहां से जो कि आप किसी भी तरीका का जो कि कोर्स कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं इस तरीका समझ रहे हैं, तो वहां से जो कि आप सिंपल आपको उसका URL है जो कि कॉपी करके लाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और वो जो कि यहाँ पे आपको वीडियो में कन्वर्ट करके दे देगा। कितना अमेजिंग टूल है ना। यहाँ पे जो कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे जो कि हम लोग क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट टू वीडियो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेकर के चलाएगा। फाइल नेम है जो कि आपको यहाँ पे डाल देना,
करना है। यहाँ पे हम फिलहाल टेक्स्ट डालते हैं, स्क्रिप्ट अपने पास यहाँ पे है, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि प्रोसीड पे क्लिक करना, यहाँ पे आने के बाद कुछ बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे प्रीसेट, आपको यहाँ पे टेम्पलेट देखने को मिल जाता है। जैसा भी आपका स्क्रिप्ट है उस हिसाब से जो कि आपको यहाँ पे टेम्पलेट को चूज कर लेना। तो यहाँ पर जो कि ये टेम्पलेट है जो कि यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आने के बाद जो कि आपको थ्री ऑप्शन है जो कि उसी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो कि लैंडस्केप है ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो कि आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से जो कि वीडियो क्रिएट करके दे देगा। तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो क्रिएट करके दे चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो कि आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो कि वर्चुअल, यहाँ पर जो कि इमेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, वीडियो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, वो सब जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कि कुछ एलिमेंट आपको देखने को मिल जाता है, अलग अलग गिफ्ट का है, स्टिकर का है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे ऑडियो है, यहाँ पे टेक्स्ट है, अलग अलग आपको यहाँ पे ऑप्शन उसी तरीके से जो कि दिखा देता है। इस तरीके से अगर आपका वीडियो क्रिएट हो जाता है उसके बाद जो कि सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये जो कि वीडियो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे जो कि वीडियो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस पे जो कि डिटेल वीडियो हम बहुत पहले जो कि एक बनाए थे, अगर आप लोग नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का नेक्स्ट AI टूल है जो कि Creado.ai। यहाँ पे आने के बाद सबसे फर्स्ट वेबसाइट है Creado.ai, इस पे क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। गाइस यहाँ पर जो कि ये कमाल का वेबसाइट है, इस पे जो कि हम डिटेल वीडियो को बहुत पहले जो कि बना है, आप लोग शायद देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। डिटेल में समझना है तो फ्री ट्रायल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे जो उसी तरीके से जो कि कुछ कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो कि जैसे कि यहाँ पे जो कि वीडियो क्रिएशन है, यहाँ पे जो कॉपीराइट का, पिक्चर का, इसमें कुछ ऐसे टूल है जो अभी कमिंग सून में है। और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट है, माई प्रोजेक्ट पे हम पहले एक वीडियो बनाया था जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक होम पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद डिजिटल ह्यूमन वीडियो क्रिएशन, इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चला है। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आपको डीड AI जो था उसी तरीका से जो कि ये भी वेबसाइट काम करता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक ये है, इसी तरीका के आपको यहाँ पे अलग अलग आपको मॉडल देखने को मिल जाएगा। इस मॉडल पे जो कि हम पहले एक वीडियो बनाए थे, तो ये एक मॉडल है, इस पे जो कि यहाँ पे प्रीव्यू में करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद उसी तरीका से आपको रेशियो देख लेना। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है, लैंग्वेज टाइप है, लैंग्वेज टाइप में हम लोग यहाँ पे इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। इंडिया में भी हम लोग हिंदी ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो कि फीमेल में स्वरा है और मधुर में जो कि मेल है, तो स्वरा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू वॉइस जो होगा उसका स्पीड आप कितना रखना चाहते हैं, तो वो जो कि आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं, 30 रखते हैं, ठीक है। ऑडिशन है जो कि आपको यहाँ पे देना होगा, ये इसमें आपको समझ में नहीं आया ये क्या चीज के लिए इसमें करता है, ऑडिशन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 1, रिफ्लेक्ट ऑन योर एस्पिरेशंस, टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट। यहाँ पे जो कि ऑडिशन कम्प्लीट हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट वीडियो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो कि देख सकते हैं कि ये इसका जो बैकग्राउंड है ना वो एकदम ग्रीन में आता है, तो ये जो कि रिमूव करने में काफी आसान होता है, ठीक है। जनरेट वीडियो पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेगा और यहाँ पर जो कि देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इतना देर में जो कि ये कंप्लीट करके दे देगा। तो इसे जो कि हम आपको प्रीव्यू करके दिखा देते हैं, ये पिछला वाला जो कि हम वीडियो, वेलकम बैक प्रोफेशन लो क्वालिटी, ये जो कि हिंदी में हम वीडियो क्रिएट किए थे, तो ये जो कि हिंदी का स्क्रिप्ट से हम बनाए थे और ये जो कि इंग्लिश का स्क्रिप्ट से जो कि अभी जनरेट हो रहा। तो इस तरीका से जो कि आप इसे जनरेट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीका से जो कि नेक्स्ट AI टूल है वो टाइप करना Lumen5 और ये यहाँ पे लेकर चलेगा। सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद साइन अप फ्री, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीका से जो कि आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो गाइस ये जो कि लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको एड ए न्यू वीडियो, इस पे आपको क्लिक करना है और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट कुछ आपको यहाँ पे प्रीसेट टेम्पलेट मिल जाएगा, इसमें से जो भी आपका स्क्रिप्ट के हिसाब से है उसे जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी पे अगर हमें वीडियो क्रिएट करना, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो कि यूज दिस टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कि फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो कि एक नाम डाल देते हैं टेस्ट, यहाँ पे जो कि अपना स्क्रिप्ट है जो कि पेस्ट कर दिए हैं। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ AI, इस पे क्लिक करेंगे, ये अपने हिसाब से जो कि ये स्क्रिप्ट फॉर्मेट में जो कि कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ट टू वीडियो, इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि स्क्रिप्ट से अब ये वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट कुछ इस तरीका के टेम्पलेट बना करके दे दिया है, ठीक है। और जो भी AI टूल जो है वो जो कि ह्यूमन लाइक तो उसमें इतनी नहीं ना है, वो जो कि एक कमांड पे जो कि चलता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है तो इसके लिए जो कि आपको फाइनल टच आप अपने
अपने से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वीडियो यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया, अब यहाँ पे जो कि बैकग्राउंड में आपको क्या चाहिए उस जैसा कि आपका स्क्रिप्ट है उस हिसाब से, तो वो सब है जो कि आप अपने हिसाब से आप खुद ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो उतना जो कि इसमें ज़्यादा ह्यूमन लाइक टच आएगा और उतना जो कि वीडियो इंगेजिंग आएगा और आपका वीडियो बढ़िया क्रिएट होगा। जैसे लाइब्रेरी में आपको वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पर जो गिफ्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर जो कि आप अपना वीडियो या आप अपना इमेज है जो कि अपलोड कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी में आ जाते हैं वापस, उसके बाद यहाँ पे जो कि आइकन में आ जाते हैं, तो आइकन में आपको कुछ आइकन इस तरीके का देखने को मिल जाता है तो आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे म्यूजिक है, स्टाइल है, इसके अलावा यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो भी आपका स्क्रिप्ट है उसका सोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो कि मीडिया पे आ जाएंगे और ये सब यहाँ पे फाइनल होने के बाद अगर आप चाहते हैं यहीं पे अगर आप ओवर वॉइस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कि रिकॉर्ड वॉइस इस पे क्लिक करना है, यहाँ से जो कि आपको माइक सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको रेड वाले पे क्लिक करना और आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, मगर हमें अभी रिकॉर्ड करना नहीं है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रीव्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो कि 56 सेकंड का जो कि ये वीडियो क्रिएट हो रहा है, जब ये पूरा क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे जो कि आपको सिंपल पब्लिश पे क्लिक करना है, उसके बाद जो कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का जो कि नेक्स्ट एआई टूल है वो है जो कि यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है elai.io और ये यहाँ पे आ जाएगा, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद ट्राई एलाई फॉर फ्री, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो गाइस ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो गाइस ये एक ऐसा एआई टूल है जो कि टेक्स्ट टू वीडियो करता है, साथ ही साथ है जो कि यहाँ पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कि आपको क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आता है, यहाँ पर जो कि अवतार का ऑप्शन आता है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब में जो कि आपको ज्यादातर जो कि मार्केटिंग का या टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का, ये सब का टेम्पलेट आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो उसे जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। और यहाँ पे आने के बाद क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा और ये यहाँ पे लेकर के चलाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपका स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ से जो कि आपको लैंग्वेज देख लेना कि जो भी आपका लैंग्वेज चाहिए, ये लैंग्वेज हम इंडिया के लिए ले लेते हैं। यहाँ पे जो कि अप्लाई टू वॉइस इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो कि आपको अलग अलग ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि इमेज का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, तो ये सब अपने जरूरत के हिसाब से जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि अगर आप ओवर वॉइस करना चाहते हैं तो वो भी जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होने के बाद अगर आपको यहाँ पे अवतार को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अवतार को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अवतार हमें ये चाहिए, ठीक है, तो इसे जो कि सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अवतार है जो कि चेंज हो चुका है। ये सब होने के बाद जब ये फाइनल हो जाता है तो यहाँ से जो कि आप प्ले करके भी देख सकते हैं या आप यहाँ से जो कि डायरेक्ट रेंडर पे क्लिक करेगा तो ये रेंडर भी हो जाएगा। और ये सब जितना भी एआई टूल है ये सब जो कि कुछ टाइम तक है जो कि फ्री है, कुछ टाइम के बाद जो कि आपको यहाँ पे पेड है। तो अगर आपको पेड ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे कि आप टेम्प मेल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से जो कि इस्तेमाल कर करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये टेक्स्ट टू वीडियो एआई टूल में से कौन कौन सा टूल है जो कि आप पहले से जानते थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।